हाय हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी मम्मा हूँ। वीडियो नहीं बनाऊं? नहीं। अच्छा चलो, तो पोहा बनाती हूँ। चलो, बच्चे कह रहे वीडियो मत बनाओ, पोहा बनाओ। अरे चल रही हूँ, चल रही हूँ, चलो 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 चलो। सो गाइस, मैं बनाने वाली हूँ पोहा। ओके, आप शुरू से लेके एंड तक मेरी इस वीडियो में बने रहना। और ये आप देख रहे हैं ना, क्या हो रहा है, नवरात्रि है क्या? ये देखो, ये पोहा बने। अरे अमिता, ये मैं भूलूंगी। हमारे वीडियो शुरू से लेके एंड तक देखना ना भूलें और स्किप नहीं करना प्लीज़ गाइस। और आप नए हो चैनल पर, प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब। और जिस किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब। ओके, ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहें, पूरी वीडियो देखना ना भूलें, सजा ताकि इंटरटेनमेंट में। ओके गाइस, मेरा स्टैंड टूट गया तो इसलिए मैं स्टैंड पर नहीं लगा पाऊँगी। सो मैंने यहाँ रख लिया पानी भर के बर्तन, और मैं सी के यहाँ पर लगा दूँगी अपना फ़ोन। सो यहाँ से आप लोग देखते रहेंगे कि मैं कैसे बच्चों के लिए बना रही हूँ पोहा। सो सबसे पहले मैंने पोहा को कर लिया है बॉस, ये देखो हैं, बैट हो रहे हैं, मतलब गीले हैं। ओके, सो हम लेंगे कढ़ाई पैन, ऐसे ही किया थोड़ी कम कर, और मैं डालूँगी इसमें ऑयल। देखो ऑयल है, ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, सरसों का ऑयल, सरसों का तेल। इसको मैं कर लूँगी क्योंकि चिपक जाता, चिपकने की वजह से मैं कढ़ाई में नीचे तली में ऑयल को घुमा लूँगी। सो मैं ना ऑयल में जीरा और हींग डालूँगी। उधम नहीं करो, उधर जाके खाना। सो अभी हो रहा है ये गरम। सो ये मैं आपको बता रही थी, ये देखो क्या हुआ। मैं आज नवरात्रि व्रत हूँ तो आज अष्टमी है, तो ये पूरा मतलब मैंने ये भरा संदू, तो ये जैसे मैं पता नहीं क्या कर रही थी, मुझे दिखाई नहीं दिया मैंने, ऐसे पूरा मेरा ये यहाँ से गीला था तो ये सब हो गया, ये मेरे को दिख रहा है। सो आपसे बात करते करते ऑयल हो गया गरम। हाँ, ऑयल हो गया गरम। सो मैं डालती हूँ पहले जीरा और हींग। दूर रहना, हरी मिर्च डालूँ, एक डालोगे मैं हरी मिर्च, जिससे कि इसका टेस्ट बना रहे। पूरा मैं बारीक काट के नहीं डालती क्योंकि निकाल देती, तो मैं टेस्ट के लिए सिर्फ एक डाल देती हूँ। अब मैं डाल दूँगी पोहा। उसके पीछे पड़ेगा मसाले, तो मैं मसाले डालूंगी, हल्दी, बना ही तो रही है धनिया, थोड़ा सा काला नमक, इससे टेस्ट अच्छा आता है। आप भी ट्राई करके जरूर देखना, बहुत लोग डालते हैं, बट मैं डालती हूँ, कर देंगे अच्छी तरह। वो डालो भी नहीं, उधर रख दो। मम्मी बन गई, पोहा बन गया, कोई कम नमक खाता कोई ज्यादा नमक खाता। ये है टाटा नमक, रतन टाटा की कंपनी। बहुत बुरा हुआ यार, एक सदी का अंत हो गया, बहुत ही थे वो व्यक्ति थे। मैं
जो रतन टाटा से प्यार करता तो प्लीज उनके लिए उनके वीडियो को लाइक करना और वो भी देखो नवरात्रि में गए हैं माँ के पास। कौन? मैंने दिखाया नहीं तो वो रतन टाटा आपको तो बाबा लगे थी बहुत उनकी। मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी मैंने खाती बट मेरे बच्चों को बहुत पसंद है ये बोलती हर चीज़ में लाल मिर्च खाएगी। इसको इस पॉलिथीन में ही बंद कर दी इसको डिब्बे में नहीं रखा मैंने ये रोटी के साथ वैसे ही लगा के मिर्च खाती बैठी लाल मिर्च तो बहुत अच्छी लगती है और मैं कम खाती हूँ। हो गया बस 5 मिनट में रेडी आपका पोहा। हाँ हम इसमें हाँ ऑनियन मतलब प्याज और टमाटर और राई भी डाल सकते हैं बट मेरे बच्चे खाते नहीं इसलिए मैंने इसलिए डाला नहीं। सादा ही सिंपल बनाया है ये हमेशा ऐसा ही खाते हैं। अगर टमाटर और चाय डाल दूँ ना तो निकाल निकाल के फेंक देते हैं। उनको सिर्फ सादा ही पोहा अच्छा लगता तो मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। सो गाइस फाइनली हमारा पोहा हो गया है रेडी। ये देखिए तो इस पे लगा रही है इस पे है ना। तो मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं वो इनको इतना पसंद है बता नहीं सकती हूँ। सो आपको जैसा भी पोहा पसंद हो ऑनियन टमाटर वमाटर डाल के तो आप जैसे ही आपका मन है वैसा बना सकते हैं। बस ये मैंने सादा बनाया है क्योंकि मेरे बच्चे सादा खाते हैं और ये ना बच्चे बहुत ही अच्छे चाव से बहुत ही अच्छी तरह खा लेते हैं। ना उनको प्याज निकालनी पड़ती है ना टमाटर निकालना पड़ता है अच्छी तरह खा लेते हैं सीधा। और मैं चटपटा ही बनाती हूँ तो उनको चटपटा पसंद है। कैसे खुश हो रही है ये बहन कर दिया है रेडी। ओके ये है पोहा। अरे लड़ो नहीं ये लो। ये देखो लड़ाई हो रही है भाई ये लो। ओके चलो सो इन लोगों को मैंने दे दिया है पोहा। सो किस किस को पोहा पसंद है सो कमेंट करके जरूर बताना। ओके सो किस किस के यहाँ होता है टाटा नमक यूज सो वो भी कमेंट करना। एंड आपके जैसे जो बच्चा पसंद करते हैं वैसा ही बनाएं तभी वो खाएंगे। मेरा तो यही है जो इनको जो पसंद है वही वो ही बनाऊँ तो खाते नहीं है तो मेरी तो हायत यही है। बताओ बच्चों कैसा बना है पोहा। ओह ये देखो मेरी पुच्चू गुड़िया बोलेगी नहीं हमेशा ऐसे ही बताती है हर वीडियो में आपने देखा होगा। और ये देखो खा रही है चटपटा है ना गुड। ये देखो सादा पोहा है ना हाँ दिख रही हो आप। ओके मम्मा चाहती बनाना सादा पोहा मुझे आप बहुत अच्छा लगता है। अच्छा ये बोल रही है मतलब तो भी अपनी मम्मा से वैसा ही सादा पोहा बनवाना जिससे कि आपको प्याज और टमाटर ना निकालना पड़े और अच्छी तरह आप खा सकें। ये खासकर बच्चों के लिए बोल रही है अपने दोस्तों के लिए बोल रही है। तो मेरे बच्चे ना सादा ही खाते हैं और अब मुझे पता पड़ा कि थोड़ा ज़्यादा तीखा खाते हैं सो मुझे तो। सो ओके गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो। ओके बाय गाइस लव यू।